हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नाजीज किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ प्रॉन्स खुरमा। प्रॉन्स को बनाने के कई सारे तरीके हैं। इस सिंपल से तरीके को ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 250 ग्राम्स क्लीन किए हुए प्रॉन्स, पाव टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख दें। जार में 30 ग्राम सूखा नारियल, 1 टेबलस्पून खसखस, सूखे मसालों में 4 लौंग, 2 इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 लहसुन के कलियां। इन सारी चीजों को डालकर आधा कप पानी डालें और इसका फाइन पेस्ट बना लें। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लें। ऑयल गरम होने के बाद मीडियम फ्लेम पर झींगों को डालकर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करें। आप देख सकते हैं झींगों में थोड़ा सा पानी है, इसे अच्छे से ड्राई कर ले और फ्लेम बंद कर दें। अब दूसरे पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लें। हाई फ्लेम पर एक मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज को डालकर गुलाबी होने तक भुनें। पाव टीस्पून हल्दी, मीडियम फ्लेम पर मसालों को डालकर हल्का सा भुनें। तीन मिनट मसालों को भूनने के बाद 1 टीस्पून नमक डालें, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, अच्छे से मिक्स करें। बचे हुए मसालों में 1 ग्लास पानी डालें और पैन में डाल दें। 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं। दो कटी हुई हरे मिर्च डालें। लो फ्लेम पर 3 टेबलस्पून दही डालकर अच्छे से मिक्स करें। दही अपना पानी छोड़ेगा, इसलिए मैंने पानी ऐड नहीं किया है। दही अच्छे से मिक्स होने के बाद फ्राई किए हुए झींगों को डाल दें। दो टेबलस्पून हरा धनिया और यहाँ नमक मिर्ची एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रेवी थिक है तो यहाँ 1 कप पानी ऐड कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे 8 मिनट के लिए ढककर पकाएं। 8 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ऑयल छूट गया है। चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। इसे आप चावल, रोटी या फिर पूरी के साथ ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका कितना क्रीमी टेक्सचर आया है। थोड़ा सा हरा धनिया के साथ गार्निश करें। हमारा क्रीमी प्रॉन्स खुरमा खाने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें।